हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अदिश साइकिल ब्लॉग एंड टेक में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैं लाया हूं आप सभी के लिए बहुत कमाल की ट्रिक, जिसको आपको जानकर बहुत ही खुशी होने वाली है। तो चलिए जानते हैं वह ट्रिक कौन सी है। अगर आप भी अपना फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं वो भी बिना किसी परेशानी के, तो यह वीडियो पूरा अंत तक देखें। तो मैं आप सभी को एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपना फोटो का मतलब फोटो का बैकग्राउंड किसी कोई भी फोटो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस एक वेबसाइट है जिस पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करना, उसके बाद अपलोड करने के बाद वो खुद ही आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। और उसमें कुछ फ़िल्टर भी दिए हैं जिसमें आप उसको एडिट करके अपना फ़ोटो का बैकग्राउंड कोई बहुत से दिए हैं फ़िल्टर जिसमें आप यूज करके कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो मैं आप सभी को ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो स्क्रीन से जाने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर। तो यहाँ पे हम सर्च मारेंगे रिमूव बीजी, यानी कि बीजी मतलब बैकग्राउंड। तो इस पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से क्लिक किया, उसके बाद देखिए अपलोड इमेज लिख रहा है, तो यहाँ पर अपलोड इमेज करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे कौन सा इमेज आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, इसको मैं अपलोड करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गया बैकग्राउंड। इसको डाउनलोड करना भी बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसका पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब यहाँ से आप देखिए एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एडिट। तो यहाँ से एडिट करने के बाद आप इसमें कई सारे फीचर दिए हैं जहाँ से आप इसका बैकग्राउंड कुछ भी रख सकते हैं। जैसे इसका मतलब ऊपर देखिए ब्लर लिखा है, ब्लर यहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। इरेज अगर कुछ बाकी रहेगा उसको इरेज कर सकते हैं या रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कुछ अलग करके देखते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन क्लिक किया मैंने, तो यहाँ देखिए मेरा बैकग्राउंड कितना अच्छा से चेंज हो गया और बहुत ही लाजवाब लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर दिए हैं, आप जो इच्छा हो आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये देखिए थोड़ा लोड लगा, देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको मैं आप डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऊपर ऑप्शन है, देखिए लिख दिया है। तो यहाँ पे डाउनलोड इमेज यहाँ पे मेरे गैलरी में डाउनलोड हो गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस यही मतलब इसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम है, इसका जो इमेज क्वालिटी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और बाकी की सारी फीचर बहुत ही अच्छा है। इसमें बिल्कुल भी देखिए कहीं भी ये नहीं है कि थोड़ा प्रॉब्लम है कि कहीं छूट गया है। तो मतलब बहुत ही आसान है, बस आपको वेबसाइट खोलना है, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना, बस तुरंत रिमूव, उसके बाद रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। उसके बाद अपना फिल्टर यूज कर सकते हैं जो रखना चाहें अपने बैकग्राउंड पर, या तो चाहे उसे सादा रख सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही यूजफुल है वेबसाइट बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपने बताएं कि आपकी यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।